छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 2050 करोड़ का शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। आईएएस विनय चौबे समेत 8 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। विकास सिंह के बयान पर रायपुर ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया गया है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है विकास सिंह, और अब देखा जाए तो 8 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया। विकास सिंह के बयान पर रायपुर ईओडब्ल्यू में यह मामला दर्ज है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है जहां पर 2050 करोड़ का शराब घोटाला मामले में झारखंड के आईएएस समेत 8 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया, और क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी राकेश, बिल्कुल, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर कई बार आवाज उठी और आज इसमें अपडेट आया है कि शराब घोटाले मामले में झारखंड के आईएएस समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। और अगर इसकी पूरी जानकारी बताऊं तो आईएएस विनय चौबे समेत 8 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। मामला रायपुर के आर्थिक अपराध अन्वेषण ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ है। ईओडब्ल्यू रायपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थापित अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ता रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला विकास सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है। विकास सिंह ने अनिल टुनेजा, अनवर डेबेर, अरुण पति त्रिपाठी और उनके सिंडिकेट के खिलाफ झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक झारखंड की अबकारी नीति में फेरबदल कर झारखंड में करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने की शिकायत की थी। जिसके बाद छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने अनिल टुनेजा, अनवर डेबेर, अरुण पति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, सुमित विधु गुप्ता, झारखंड के आईएएस विनय चौबे और मैन पावर सप्लाई और मदिरा सप्लाई करने वाले एजेंसियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे अप्रैल 2023 में शराब घोटाले को लेकर आईएएस विनय चौबे और कर्ण सत्यार्थी से रायपुर कार्यालय में ईडी के समक्ष अपना बयान भी दर्ज कराया था। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें अब झारखंड के आईएएस भी इसके गिरफ्त में आ गए हैं। और अगर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है इसको हम जाने संक्षिप्त में, तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुनेजा, अबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर डिबेट के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान हुआ था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें विनय चौबे का नाम भी इसमें आ गया है। जी राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।